नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार क्लासी स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। आज हम बात करने वाले हैं UPFCI वॉचमैन 2018 के एडमिट कार्ड के बारे में। जी हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है कि आपकी जो है एग्ज़ाम सिटी आ चुकी है बच्चों। तो जल्दी से जल्दी आप अपने फॉर्म को लॉगिन करें, ठीक है, और आप अपनी एग्ज़ाम सिटी चेक करो कि आपका एग्ज़ाम सिटी है कहाँ पर। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ बच्चों का। सबसे पहले क्या करना है, उन बच्चों को यहाँ पे देखो लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे यहाँ पे इस तरीके से, तो आपके सामने इस तरीके का टैब खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ये रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा कोड। आप यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यो बच्चों का एक का एडमिट वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है मैंने, ठीक, पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे कैप्चा कोड। तो यहाँ पे मैं जैसे ही कैप्चा कोड यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये 267356, ठीक है। जैसे ही मैं ये कैप्चा कोड डालता हूँ तो यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये लॉगिन करना है मेरे को। जैसे ही लॉगिन करूँगा मैं तो ये इस तरीके से खुल के आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, ठीक, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ये साइड में इधर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब नीचे लेके आओगे तो आप यहाँ पे लिखा होगा एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट आपका, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलोगे तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में चलना है, ठीक है, सॉरी राइट साइड में। अब आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे ये एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट के सामने लिखा हुआ है 32 लखनऊ, यानी आपका जो इस बच्चे का लखनऊ सेंटर है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे, ठीक है, अपना पासवर्ड भूल गए हैं, ठीक है, और उनको रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं पता है, ठीक है। तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड किस तरीके से लेना है, तो अब देखो यहाँ पे किस तरीके से करना है उन बच्चों को। तो सबसे पहले मेरे चैनल को, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और जो बच्चे अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर पाए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है योर एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट इज़ अलाउड, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया है, ठीक है। मैं इसको रोक देता हूँ यहाँ पे, आप दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट आपको पता ही है 30 सितंबर है, ठीक है। एडमिट कार्ड अब आने चालू हो गए क्योंकि एग्ज़ाम सिटी आ गई है। तो मैं अप्रोक्सीमेट जो है मेरा अनुमान यह है कि आपका 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, ठीक है, यानी 23 तारीख के आसपास ही डाउनलोड होगा। तो सबसे पहले और सबसे तेज़ हम आपके सामने खबर लेकर आते हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या करना है, कहीं नहीं जाना, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, ठीक है। वेबसाइट का नाम है www, यहाँ पे आप देख सकते हो FCI, ठीक है, upjobs.com, इस वेबसाइट पे जाना है। आप अपने यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन कर देना है। आपको वहाँ से भी ओपन नहीं हो रहा है तो एक बात और बता दूं मैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। आप जैसे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के सामने वाला लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। वहाँ पे मैं ये भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, लॉगिन वाला ऑप्शन, ठीक है, और नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, ये भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों को जिसका अपना रजिस्ट्रेशन ही नंबर नहीं पता, तो उसको क्या करना है, ठीक है। जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो वहाँ उसको यहाँ पे जाना है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे ही यहाँ पे वो बच्चा जाएगा तो इस तरीके का टैब नया खुल के आ जाएगा, लेकिन उसको दो कंडीशन है कि यहाँ पे उसको मोबाइल नंबर याद होना चाहिए और ईमेल आईडी नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, ठीक है, सपोज़ करो ये 8 अंकों का मोबाइल नंबर होगा, वो सॉरी मोबाइल नंबर तो 10 ही अंकों का होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है, जो फॉर्म में डाली थी आपने, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वही डालनी है, अदरवाइज़ नहीं डलेगा। फिर जैसे ही आप यहाँ पे डाल दोगे तो आपको इस पर गेट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं उनको जो बच्चों को रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, ठीक है, बट पासवर्ड नहीं पता, या उन बच्चों को जिन बच्चों को पासवर्ड भी नहीं पता, तो यहाँ पर क्लिक करना है लॉगिन पर। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का टैब खुल के आएगा, यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। तो यो उस बच्चे का पासवर्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपने डाल दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे ये कैप्चा कोड आपको डालना है। जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चा कोड डालोगे यहाँ पे, ठीक है, तो फिर उसके बाद में लॉगिन कर देना, ठीक है। जो बच्चे ये आपका रजिस्ट्रेशन नहीं, नंबर तो आपने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, बट पासवर्ड भूल गए हैं,
तो कैसे करना है, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे फॉरगेट पासवर्ड पे यहाँ पे, तो एक नया टैब इस तरीके को खुल के आएगा आपके सामने। यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा ऊपर रिकवर पासवर्ड, यानी ये रिकवर पासवर्ड है, आपको पासवर्ड पता चलेगा। यहाँ पे आप अपना 8 नंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, जैसे सपोज करो जैसे किसी का नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर ये आ गया, ठीक है 8 नंबर का। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डालना, जैसे आप ये कैप्चा कोड डालोगे फिर आप सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो है आपका दोनों उस पर जाएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सेकेंड वाले पे कि ये आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, और ईमेल पे जाएगा, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे ये आपका पासवर्ड चला जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसको लॉगिन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म खुल के आ जाएगा, वहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम देख सकते हो और एक दो दिन के बाद में आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कहा था कि ये जो मेल आईडी है, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे एक तो ये वेबसाइट है, ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको मेल वेबसाइट का नाम बताया था यहाँ पे, जब मैंने ये कहा था कि आपको यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, ये देखो ये मेल, इस पे आपको मेल करना था, ठीक है। मैंने बता दिया था कि जो बच्चे अपने पासवर्ड भूल गए हैं या किसी को कुछ पता नहीं चलना, किसको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो इस पे आप मेल कर सकते हो। बट किसी ने भी बच्चे ने, मेरे को लगता है कि आधे बच्चों ने मेल किया होगा, आधे ने नहीं किया होगा, तो मैं आपको बता दूँ जिसने मेल किया था यहाँ पर साफ साफ लिखा है जिसने 12 तारीख से पहले पहले मेल कर दिया है, ठीक है, तो उनके एडमिट कार्ड के बारे में हम आपको बता देंगे। यहाँ पर देख सकते हो 12/9/2018 के बाद भेजी गई किसी भी ईमेल को मान्य नहीं होगा, ना ही उस पर कोई कार्यवाही होगी। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक वीडियो में मैंने बता दिया था आपको क्या करना है कि मेल करना है, ठीक है, और आप इस इन नंबर को भी दे दिया था मैंने कि इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट किसी ने बच्चे ने नहीं मानी, आधे बच्चे का फ़ोन आया, मैंने बता दिया था उनको कि इस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है, ऐसे आपको मेल कर देना है। तो जिन बच्चों ने मेल किया है, ठीक है, उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी रखो और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, इस तरीके से लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।